read that verse 3 times louder in your own language, in the language that you understand. Isaiah, bina dekha ra bolna bolna padega kaun si vachan hoga. 66 ka 13, 66 ka 13 mein kya likha, koi nahi bol sakta hai. Zor se. Abhi 3 baar zor se. Isaiah 66 13, Isaiah 66 ka 13, 3 baar. इंग्लिश किताब किसके पास है वो सब लोग जोर से 3 बार इंग्लिश में जोर से पढ़िए. हिंदी बाइबल कितने लोग के पास, जोर से 3 बार पढ़िए इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में पढ़िए, हिंदी में. हिंदी बाइबल पढ़ने वालों का आवाज इतना जोर से नहीं आता है, थोड़ा जोर से पढ़िए. अभी मेजॉरिटी तेलुगु बैठे हैं, तेलुगु बाइबल पढ़ने वाले 3 बार जोर से पढ़िए. यू विल बाय हार्ट इट एंड से, यू विल बाय हार्ट इट एंड से. अभी मलयालम पढ़ने वाले 3 बार जोर से पढ़िए. तमिल होने पढ़ने वाले कोई हो तो जोर से पढ़िए. अभी बाई हार्ट कौन कौन अपने भाषा में बोल सकता है, बोलिए. माँ, कितने लोग अपना माँ का प्रेम को परखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस द लव ऑफ योर मदर? हाउ मेनी, कितने लोग अपना मम्मी के प्रेम को अनुभव किया? वो आदमी लाचार बैठा है, देखो उनको माँ भी नहीं है, क्या करेंगे. मैं मेरा माँ को, माँ का प्यार को मैंने अनुभव किया. हालेलुया, हालेलुया. दुनिया में माँ के प्रेम के जैसे किसी का प्रेम कभी नहीं होता. पत्नी का प्रेम मतलब का प्रेम, मेरी भाषा समझते हैं, पत्नी का प्रेम मतलब का प्रेम, लेकिन मम्मी का प्रेम त्याग का प्रेम. हालेलुया, हालेलुया. अब मेरा परमेश्वर बोलता है, जैसे एक बच्चा को अपने मम्मी आश्वासन देती है, कंफर्ट कर रही है, वैसे मैं तुमको कंफर्ट करूंगा. हमारे मम्मी तो कई लोगों का चला गया होगा, सालों पहले चला गया होगा. मेरा माँ तो 55 साल के पहले चली गई है, तो भी मेरा माँ का याद तो अभी भी मेरे पास है. हालेलुया. परमेश्वर बोलना चाहता है ह्यूमन लैंग्वेज, मनुष्यों के भाषा में बोलता है, जैसे एक माँ अपने बच्चा को संभालती है. हिंदी में कौन सी शब्द हुए क्या है, शांति देती है, वैसे मैं तुमको शांति दूंगा. किधर शांति दूंगा? यरूशलेम में शांति दूंगा. यरूशलेम मकतर मतलब क्या है, नया करार के मतलब पड़ेगा तो, अभी हमारे परमेश्वर का मंडली है, वहाँ
righteousness, dharmita, dharmita, our shanti rehti hai, peace and righteousness rehti hai. परमेश्वर के सानिध्य की जगह में ही ये दोनों मिलता है. हो सकता है आपका परिवार में भी नहीं मिलेगा. प्राइज द लॉर्ड. इसलिए हम लोग पहले ये गीत गाएंगे. कौन सी गीत गाएंगे? एक माँ की तरह. 29 हिंदी में 29. 29 yesterday you had a book with you. What is it? 29 सब लोग उठाइए, नहीं तो इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी डाला हुआ है. म्यूजिक के शब्द आवा आगे आए, ड्रम का बिल्कुल कम आए. बराबर गाए, ताली नहीं बजाए. एक माँ तरह प्रभु शांति देता है. एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है. कबीना विश्वास के साथ
అంటే పురుషులం గా తోడు అవాస్యతో గావు ఓం ప్రభు కైసమేద కహు ధన్య రాజా ధన్య రాజా ధన్యవాదు తేరే ధన్య రాజా ధన్య రాజా ధన్య తేరే ధన్య రాజా ధన్య రాజా ధన్యవాదు ధన్య మనసే గావు మనసే గావు రాజా ధన్య గ్లోరీ ధన్య రాజా ధన్య రాజా ధన్యవా glory ere danyera ja danyera o sa te mukh khol kar gao danyera ha danyera ja danyera sab log gao ధన్య రాజా ధన్య రాజా గ్లోరీ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ మూకోలో మూకోలో सब लोग मुंह खोलो मुंह खोल के आराधना करो मुंह खोल के आराधना करो लोरे खोल के आराधना करो मुंह खोल के आराधना करो मुंह मद नहीं करो
संतोष जोर से प्रार्थना करो। संतोष राय
घटा से 16 तक 12 टू 16 12 से 16 तक 12 टू 16 आइजाया लिफ्ट योर बाइबल्स डोंट कीप योर बाइबल्स डाउन लिफ्ट योर बाइबल्स आइजाया 66 12 टू 16 12 से 16 तक जोर से पढ़िए के फिफ्थ वर्स पांचवी वचन भी बाइबल हाथ में उठाओ नीचे मत रखो बाइबल हाथ में उठा के जोर से पढ़िए नीचे मत रखो हिंदी में उसके पहली भाग जोर से पढ़े हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड यू हु ट्रम्बल एट हिज वर्ड तुनो तेलुगु में दोस हु ट्रम्बल एट हिज वर्ड परमेश्वर वचन को सुनने समय एक ट्रम्बलिंग अनुभव होना चाहिए कोरोना के बारे में ट्रम्बलिंग करने के लिए बाइबल में नहीं लिखा है वो तो फालतू लोग पापियों नरक में जाने वालों का डर है प्रभु के राज्य में जाने वालों को कोरोना हो कोरोना से 10 गुना का बड़ा का कोई बीमारी हो कोई डरने के कोई जरूरत नहीं कारण क्या है कोरोना बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है आप सब जानते हैं लेकिन ये जीप में जाना है या हृदय में जाना है प्रेज द लॉर्ड आई टोल्ड यू आई हैव नो फियर अबाउट दिस आई डोंट हैव एनी कंसिडरेशन फॉर दिस आई नेवर थिंक अबाउट दिस मेरी सच्चाई के बारे में बोल रहा हूँ ये कोरोना आया इधर से लोग इतने ही लोग मरते हैं इतने लोगों को पकड़ा है है ही नहीं माय अटैचमेंट इज ओनली विथ गॉड हालेलुया 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 एक जमाने में सारे अटैचमेंट लागू बोलते क्या बोलते लगाओ लगाओ था अभी किसके साथ मुझे लगाव है मेरा लगाव ओनली विथ गॉड माय गॉड विल नेवर डाई मेरा परमेश्वर मरेगा क्या नहीं इतना ही मेरे लिए जरूरत है ही शुड नॉट बिन लेट मी गो ही शुड नॉट लेट मी डाउन यीशु एक दफे बोला ये लोई लमा समकतानी उसमें शब्द क्या है हे मेरा परमेश्वर हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है वो संभव भी मेरे समय में मेरे जीवन में नहीं आए
I can't remain without my Lord even for a single moment. Ek minute bhi mera Prabhu bina main jee nahi paunga. Praise the Lord. Main isi prakar ka extremity mein, English mein bolte hain extremity mein aa pahunch gaya hu. Aap log abhi bhi langar duniya mein hai. Your anger is still in the world. Aapke langar abhi bhi duniya mein hai. इसलिए आपको डर होता है, इसलिए आपको बहुत कुछ होता है. मैं बोलना चाहता हूँ, कैसे मैंने बोला, ये उम्र में ही आपके लंगर प्रभु में डालो. दुनिया में डालने को नहीं जाओ, कभी भी आपको घबराहट नहीं आएगा. मुझे एक हिंदी मलयालम गीत आता है, उसको गाना चाहता हूँ. पदरुग इल्ल ज्ञान, पदरुग इल्ल ज्ञान, പ്രതികൂലം അനവധി വന്നിടിലും വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ, കഷ്ടത അനവധി വന്നിടിലും എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എൻ നാഥ് നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ. എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എൻ നാഥ് നടത്തിടും അന്ത്യം വരെ. എൻ കാന്തൻ കാത്തിടും, എൻ പ്രിയൻ പോറ്റിടും, എൻ നാഥ് നടത്തിടും അന്ത്യം. ये सया के किताब से कई शब्द मैंने आप पढ़ना चाहता हूँ. सेकंड वर्स के सेकंड पोर्शन पढ़िए, सेकंड वर्स के सेकंड पोर्शन. दिस इज द वन आई एस्टीम, ही हु इज हम्बल, ही हु इज कंट्राइट इन स्पिरिट, and he who trembles at my word. In the second portion, three things are mentioned about that. He who is humble. Number two, he who is contrite in spirit, and who trembles in my word. I esteem him. Hindi mein zor se padho. Main ye parantu kya bol, kyun padha, maine padha nahi hai. वापस पढ़ो, वापस पढ़ो. मैं उसी के ओर दृष्टि करूंगा. सुनो ब्रदर, दिग्विजय आपका बाइबल में है, ये जेंटलमैन पढ़ता है आपका बाइबल में है, आप समझ लेगा तो आपके लिए अच्छा है. वापस पढ़ो. मैं उसी के ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, और वचन सुनकर थरथराता है. ये थरथरा का शब्द पहले आप पढ़ा है ना, थरथराता है, डरता है. अयो कोरोना आ गया, बाजू वाला घर में आ गया, क्या कोरोना थरथराना. हालेलुया, हालेलुया. एक दिन तो प्रभु के राज्य में जाना है. प्रभु के राज्य में जाना अच्छा है या नरक में जाना अच्छा है? प्रभु के राज्य में. अभी आप तैयार हो तो जल्दी जाना अच्छा है, लेटर जाना अच्छा है? जल्दी जाना अच्छा है. इधर बैठा हुआ मेरे प्रिय बहनों से पूछो, एक जवान युद्ध में पूछा तो सोचा था मैं प्यार करूँगा और प्यार करा जाऊँगा और मैं ऐसा करूंगी, इतना करूंगी, इतना करूंगी, क्या क्या सोच कर रहा होगा वो. मेरी दादी होंगे, अभी पूछेगा तो बोलेगा, वो सब बोला है, बोलेगा माया, सब माया, सब माया, व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है. द बेटर द वेट वी गो सूनर टू द लैंड ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर के राज्य में जल्दी से जल्दी जाना हमारे लिए अच्छा है. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरे लिए आशा उस समय भी था, इस समय भी बढ़ता रहता है. क्या करेंगे, मैं कभी कभी रूम में अकेला बैठकर जा रहा हूँ,
Why for? What for? Oh, I am too much in this world. I don't want to live in this world. I don't want anything in this world. इधर बैठने वाले सारे लोगों से अच्छी तरह शांति में खुशी में और समृद्धि में रहने वाला मैं अकेला आदमी हूँ. इधर दूसरा कोई है ही नहीं है. मेरे जैसे इधर बैठने वाले कोई भी है ही नहीं है. तो भी मैं बोलता हूँ मेरा इट इज़ बेटर टू बी विद यू. यीशु ही के संग रहना कितना यीशु के ये जीना कैसा भाग्य. यीशु ही के संग रह कितना अच्छा है. God says, I esteem this person. मैं ये आत्मी के ऊपर क्या करूँगा? दृष्टि रखूँगा. वो दृष्टि को तेलुगु में कौन सी शब्द को उपयोग किया? दृष्टिंजिचुनानु. तेलुगु में मलयालम में खड़ाक्षिकम. मलयालम में तो उससे बहुत बढ़िया है. और तमिल में नोकी पार्पे. हालेलुया. मिस्टर सिस्टर, इफ दिस वर्ड इज अप्लाइड टू यू टुडे, यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन इन दिस वर्ल्ड. ये शब्द आपके लिए आज होगा तो दुनिया में सबसे बड़ा भाग्य व्यक्ति होगा. आई विल एस्टीम दिस पर्सन. मैंने ऐसे व्यक्ति के ऊपर मेरा दृष्टि रखूंगा. कौन है? जो हम्बल है, दीन है. जो क्या है? दीन है. नंबर टू क्या है? खेदित है. किधर खेदित है? मन में खेदित है. दो प्रकार का खेद हो सकता है. अयो मेरा जीवन में मैं इतना प्यारा प्रभु के योग्य सही रीति से जी नहीं पाया. क्या रीति में जी नहीं पाया? सही रीति में नहीं पाया. मेरा उम्र बढ़ते ही मेरा जीवन को पार कर दिया. मैं कभी कभी बैठकर सोचता हूँ इतना अच्छा जीवन प्रभु ने मेरे लिए रखा. इतना बचनवान जवानित जीवन में मैं प्रभु का अनुभव करने पाया. लेकिन प्रभु के वचन के आधार पर 100% ये ठीक जीवन में न बिता सका. क्या ने बोला? प्रभु के वचन के आधार पर. कैसे मैंने बोला? किसके वचन के आधार पर? मेरा प्रभु के वचन के आधार पर. इतना हम्बलनेस जो चाहिए उतना हम्बलनेस मेरे अंदर नहीं आया. इतना प्योरिटी होलीनेस चाहिए इतना प्योरिटी मेरे अंदर नहीं आया. इतना प्रभु के लिए हार्ड वर्क करना है उतना हार्ड वर्क मेरे जीवन के द्वारा नहीं हुआ है. मेरे अधूरा को हो गया है पास्ट लाइफ में. वो सब कुछ याद करके मैं खेदित होता हूँ. क्या मैंने बोला? खेदित होता हूँ. कितना प्यार मेरा प्रभु को करना है उतना प्यार मैं प्रभु को हमेशा कर नहीं पाया. मैं समझता हूँ आप लोग तो कितना प्यार करना है प्यार किया होगा इसलिए आप शांति में बैठे हैं. बहुत शांति में बैठे हैं. आप इतना पवित्र हो गया था. आप पवित्र जीवन बिताए इसलिए आपके सुनने के समय आपको बिल्कुल कुछ ट्रम्बलिंग नहीं आता है. मालूम नहीं क्या आप लोग ऐसे बड़े संत के नाई पौलों से बड़ा संत के नाई बैठे हैं. लेकिन मेरे जीवन में अकेला बैठने समय अभी आपके बारे में भी चिंता करना बिल्कुल कम कर दिया है. क्या मैंने बोला? आपके बारे में भी चिंता करना बिल्कुल कम कर दिया है. क्या चिंता करेगा तो मैं आपको लेके जाऊंगा क्या स्वर्ग में? वो सब व्यर्थ है व्यर्थ है व्यर्थ है. याद है आप लोगों को? प्रेज़ गॉड. एक गीत है जोर से बोले यात्री हूँ मैं जी यात्री हूँ मैं जग में प्रभु मार्ग में तेरा वैसा वो मार्ग में तेरा ओ यीशु ये योनि सा
में तेरा बंदरगाहों में दन दा समझ के गाइए मैं प्रभु जी यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी ओ मार्ग में तेरा चलता हूँ मार्ग में तेरा ओ निशान यीशु जी हो निशान तो यीशु जी बंदरगाह तो तुम्हेरा बंदरगाह वापस आएंगे वचन में क्या लिखा हुआ है इनके ऊपर मैं दृष्टि रखूंगा है वो बाइबल हाथ में लेकर रखो नीचे जमीन हाथ में रखो बड़ा बोझ नहीं है ये सामान उधर रखने का जरूरत नहीं है प्रेज अल्लाह ध्यान से सुनो वचन मैंने और पीछे क्यों मुड़ता प्रेज का जो कुछ वचन परमेश्वर में आज देना चाहता है वचन पर हमारे मन लगाएंगे वचन के आधार पर जीने के लिए हमारे जीवन में एक संपूर्ण समर्पण होने पाए ये दुनिया में जीना बिल्कुल हल्का रहेगा ये दुनिया में जीना क्या रहेगा बिल्कुल हल्का रहेगा वजनदार नहीं बनेगा प्रेज अल्लाह मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर दृष्टि रखूंगा किसके ऊपर जो दीन है हम्बल है जो दीन है तेरा भाषा में तो बोलो जो हम्बल है और दूसरा क्या है खेदित है अयो मेरे पिछले दिनों में जितना प्रभु चाहा उतना मैं प्रभु के साथ नहीं रहा और जितना मैं पवित्र होना था मैं इतना पवित्र जीवन नहीं बिताया कितना धीरज वाला बनना चाहिए था इतना धीरज वाला मैं धना था ये हमारे जीवन को याद करके खेदित होना चाहिए खेदित होना चाहिए खेदित होना चाहिए तेलुगु में वो शब्द क्या बोला है आई एम सॉरी मन अगर यू आर नॉट हियर खेदित मन वाला है खेदित मन वाला है कंट्राइट स्पिरिट खेदित मन वाला है एंड नंबर 3 क्या है ट्रम्बल सैटिस्फाइड मैं आज यहाँ बैठने वालों को बोलता हूँ कोरोना को सुनकर तुम डरना नहीं है ये सरकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं तो मैं किधर भी जा सकता हूँ मैं कुछ भी कर सकता मैं किधर भी जा सकता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ कारण क्या है प्रभु यदि मेरे साथ हुई तो मेरे लिए जो उनके परमिशन के द्वारा आना वही आएगा दूसरा कुछ आएगा नहीं हालेलुया हालेलुया उन्होंने किधर भी मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है हालेलुया परमेश्वर से अनहोनी कुछ बात नहीं है लेकिन सरकार के और कई प्रकार के विषयों के वो रशिश में हम रहना ही पड़ता है वो नियम पालन करना
हमारे लिए नहीं है, सारे दुनिया के लिए अच्छा है। अमेरिका के लोग बोलते हैं हु इज ट्रंप, व्हाट रेस्ट्रिक्शन वी विल हैव, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, वी विल एंजॉय द बीच, हम बीच में जाकर क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि अमेरिका के लोग ऐसे नास्तिक बन गया है, क्या मैंने बोला, नास्तिक बन गया है, उनका आधार सब पैसा पर और दुनिया के प्रभाव पर हो गया है, प्रभु पर विश्वास नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, इसलिए अपने मर्जी के आधार पर ट्रंप ने हो, ट्रंप के ऊपर का कोई हो, कुछ भी नियम लाएगा तो वो लोग मानने वाले नहीं है, इसलिए भोगते भी है, इसलिए भोगते ही है। अधिक दुनिया में सबसे अधिक कोरोना किधर हो गया है, अमेरिका में हुआ है। सबसे अधिक लोग किधर मर गया है, अमेरिका में ही हो गया है। मैं उनके बारे में क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके बिहेवियर ऑफ लिविंग, उनका जीवन का मामला ऐसे हो गया है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ट्रम्बल एट द वर्ड ऑफ गॉड, ट्रम्बल एट द वर्ड ऑफ गॉड, ट्रम्बल एट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर वचन ऐसे बोलता है क्या, कुछ भी हो हम वैसे ही चलेंगे, वॉट एवर द वर्ड ऑफ गॉड सेज वी विल डू दैट। अब्राहम को दिया हुआ सब वचन आज भी मेरे लिए दिया गया है, हालेलुया। अब्राहम 3500 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी ऑफ द मैन, हिस्ट्री ऑफ द मैन, 3500 ईयर्स के पहले जिया था तो भी बांधा नहीं। उस समय परमेश्वर ने दिया हुआ परमेश्वर के वचन आज भी बाइंडिंग है, आज भी बाइंडिंग है, आज भी बाइंडिंग है। कितना साइंस में आगे बढ़े तो वो बांधा नहीं है, कितना बुद्धि में बढ़े तो भी बांधा नहीं है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अभी थोड़ा समय हम लोग आराधना करने जा रहे हैं। परमेश्वर, परमेश्वर मुंह खोलो, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर बोलेगा तो यहोवा परमेश्वर आत्मा है, नया करार में लिखा है प्रभु आत्मा है। ये प्रभु किसके बारे में लिखा हुआ है, यीशु के बारे में लिखा है। पिता परमेश्वर आत्मा है और यीशु ने बोला अवश्य है। उनको आराधना करने वाले कैसे करे, आत्मा में और सच्चाई में आराधना करें। और यीशु के बारे में लिखा है प्रभु आत्मा है, इसीलिए किधर प्रभु की आत्मा है उधर क्या होता है, आजादी है। और लिखा है अंश अंश, वो आत्मा के द्वारा, वो आत्मा के द्वारा अंश अंश हम बदलते जाते हैं। और पवित्र आत्मा आत्मा है, ये तीनों आत्माएं हैं जिनको जो बिल्कुल आंख नहीं खोले, पवित्र आत्मा से भरना करके आंसू बहाओ, घुटने टेके थोड़ा समय ताली बजाओ लेकिन ताली की आवाज़ नहीं आए, सभी लोग आत्मा में भर के जो मीन्स इन मीन्स जो ये तीनों आत्मी भी आत्मा में खड़े होकर आत्मा में आराधना करें। घुटने सैम की आवाज आना चाहिए, सब लोग दिग्विजय भी मुंह खोलो, सिर सीधा रखो, सिर सीधा रखो,
हाथों में आराधना करो। ग्लोरी glory 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 aaradhana karo aaradhana karo durala dava shambhu rabal kar kadakara shaudha jurak jaladala sirsidarak ye jawan sirsidarak Dhare dhavara vela vera vasham prabhu ra vela vera vela 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 Glory Sirsidharak Glory छोड़ो तुम ओपन योर माउथ ओपन योर माउथ सिर सीधा रख जवान तेरा सिर को सीधा रखो Glory 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 Ulambada vara 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 v
सब लोग आत्मा में भरो, सब लोग आत्मा में भरो। आत्मा में भरो, आत्मा में भरो, आत्मा में भरो, आत्मा में भरो। ग्लोरी चढ़ रबर 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 का जनक दलावर शम प्रभु रबाल रबर का जलक जलक दलावश उजरा जला जराख रबर रबर रबु शम प्रभु रबर 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 बजर का दलावश उड़ालर कम शम प्रभु नवर आखा जर का दलाव दलावश शावर जलक दलावश ग्लोरी चढ़ बुर रबर रबर जलक दलाव शम प्रभु रबर रबर जलक जलक दलावश या जर का दलाव
सब लोग खड़े होकर ताला के आधार पर एक गीत गाएंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक, अरे आंग बंद करके ताला बजाओ, आवाज नहीं आए, आवाज नहीं आए, सब लोग मुंह खोलो, ऊपर देकर गाओ। मन से गाओ, समझ के गाओ। Yeah.
बराबर गाओ, बराबर गाओ। कड़े कड़े थोड़ा समय आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे। बैठिए, वापस हम प्रभु के वचन थोड़ा और समय ध्यान देंगे। नाइन थर्टी ना, वो वचनों के ऊपर वापस ध्यान देंगे। कौन सी वचन पढ़े थे? आइज़ाया 66 का
पहले 13th वर्स ये वचन आप बाई हार्ट करना है. क्या करना है? बाई हार्ट करना है. वापस जोर से वचन पढ़ेंगे. सब लोग जोर से पढ़िए. वो लड़का अभी तक उठाया नहीं है. वापस जोर से पढ़िए. As a mother comforts her child, so will I comfort you. ये कौन बोलता है मालूम है? ये कौन बोलता है? मुंह खोलो, सिर इधर, आंग इधर रखो, कान इधर रखो, मन इधर रखो. आंग इधर रखो, कान इधर रखो, मन इधर रखो. कौन बोलता है? यहोवा, सर्व शक्तिमान परमेश्वर. ये पृथ्वी और आसमान जो देखते हैं, जो अंधे की सबों का सृष्टि किया हुआ व्यक्ति है, उनके पावर के बारे में, उनके सामर्थ्य के बारे में कुछ समझा, कुछ समझ सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं? वो बहन को जो पीछे बैठी है उसको इधर आकर बैठने के बोलो. सब लोग पीछे नहीं देखो, इधर आकर फर्स्ट लाइन में पीछे आकर बैठो. एक शीट में 6 व्यक्ति बैठ सकता है. हमें इसे अरेंजमेंट किया 6 पर्सन्स. समटाइम्स ट्राई टू सिट अलोन, मेडिटेट अपॉन द पावर ऑफ दिस गॉड. ये परमेश्वर के सामर्थ्य को कभी अकेला रह के थोड़ा ध्यान करने के लिए सोचो. इधर उधर दौड़ने वाले आपके थॉट, आपके विचारों को कंट्रोल करके, Whom I worship, मैं किसकी आराधना करता हूँ, यह बाइबल में किस परमेश्वर के बारे में बताया है, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करो. शैतान छोड़ेगा नहीं है, तुम्हारे शरीर की अभिलाषा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, लेकिन कंट्रोल करो. कंट्रोल करके उनके बारे में थोड़ा पढ़ने के लिए, समझने के लिए कोशिश करो. दिस अलमाइटी गॉड, नॉट माइटी गॉड बट अलमाइटी गॉड. God, qualifying word, adjective, mighty God. And what mighty God? Almighty God. उनके बारे में जो कुछ बोले वो सब आल उनके अंदर है. बुद्धि हो, ज्ञान दो, समझ दो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, तंदुरुस्ती हो, सब कुछ आल उनके अंदर ही है. Praise the Lord. आप समझने के लिए समय नहीं है. दुनिया आपको खींच लेता है, आपके शरीर की अभिलाषा आपको खींच लेता है, उनको पर मन लगाने के लिए छोड़ता नहीं है. मैं क्या करूं? परमेश्वर वही चाहता है. आप कंट्रोल करेगा तो शैतान आकर क्या करता रहता है? खुजली करता रहता है. एम आई राइट? शैतान खुजली करता है. लेकिन खुजली खुजलाता, शैतान खुजलाता करके बोल के परमेश्वर से बच नहीं सकते. आप लोग परमेश्वर से बच नहीं सकते हैं. परमेश्वर का एक शब्द प्रभु के लोगों को पर आज वापस आता है. ओवरकम, ओवरकम. आपकी भाषा में बोलिए ओवरकम. आपकी भाषा में बोलिए ओवरकम. क्या करना है? विजयी पाना है, विजयी पाना है. जोर से बोलो, विजयी पाना है. ओवरकमर्स के लिए ही परमेश्वर ने सब कुछ रखा है. पढ़िए प्रकाश वाक्य में क्या लिखा है. प्रकाश वाक्य के 20th चैप्टर में ऐसे लिखा हुआ है एक शब्द, फॉर द ओवरकमर्स, 7th वर्स, 21st चैप्टर. प्रकाशित वाक्य देखिए भैया, जल्दी निकालो प्रकाशित वाक्य. रेवलेशन, रेवलेशन निकालो भैया. रेवलेशन आप लोग इधर उधर मत देखो. 21 के 7th वर्स जोर से पढ़िए. 21 वो वचन के अंदर बहुत कुछ भेद लिखा हुआ है, मैं सब कुछ नहीं बोलूँगा. ही हु ओवरकम्स विल इनहेरिट ऑल थिंग्स. इंग्लिश में 2-3 वचन व्यक्तियों जोर से पढ़ो. मैं इतना ही बोला ना,
इंग्लिश बाइबल पढ़ने वाले रखने वाले दो तीन व्यक्ति जोर से पढ़ो, हिंदी बाइबल पढ़ने वाले जोर से पढ़ो, तेलुगु बाइबल पढ़ने वाले जोर से पढ़ो, मलयालम पढ़ने वाले जोर से पढ़ो, तमिल पढ़ने वाले जोर से पढ़ो। उन्मदना What shall you do? This is God's word. ये किसका वचन है? उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं, उनके शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। He who overcomes, कम से कम ये कुरान के समय में प्रभु हमको ये सामर्थ्य, I will overcome, मैं ओवरकम करूँगा, मैं विजय पाऊंगा। जोर से बोलो, मुंह खोल कर बोलो, मैं विजय पाऊंगा। उन्हीं को ही प्रकाश वाक्य में परमेश्वर ने बहुत कुछ प्रदान करके रखा है। तो वापस हम आएंगे यशायाह का किताब में, हम आएंगे दो तीन वचनों को हम आज पढ़ के ध्यान करेंगे। प्रेज़ गॉड, ये मदर कंफर्टर चाइल्ड, उसके आधार पर की दूसरी एक वचन भी वही यशायाह में लिखा हुआ है। 49 का 15 यशायाह 49 का 15 जोर से पढ़िए। Once again, English so beautiful. Can a mother forget the baby at her breast? आपके बाइबल में ऐसे लिखा है, इंग्लिश बाइबल वाले जोर से पढ़िए। उसकी मतलब क्या है? दूध पीने वाला बच्चा है, सोनम बगन को सैमुएल अभी भी बच्चा है, सही है? ये फीबा बहन के लिए ये निसीबी बच्चा है, लेकिन वो बच्चा नहीं है। सोनम बगन ये बच्चा को स्कूल भेज देती है और वो खुद कंपनी में चले जाती है, बच्चा को भूल जाती है। कंपनी में काम करना चाहिए तो क्या करना है, बच्चा को भूलना चाहता है। इसलिए आप गलती नहीं करो, इधर बैठे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बारह बहनों को ये अनुभव होगा। सारे बहनों का अनुभव नहीं है, बारह बहनों का अनुभव होगा। कौन सी अनुभव है? दूध पीने वाले बच्चों को संभाला हुआ अनुभव। कितने लोग दूध, मेरा बच्चा दूध पिया करके बोलने वाले हाथ बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आया? आपको मालूम है अभी जितना सोनम का बेटा सैमुएल को पर ध्यान है, उतना ध्यान था 2 महीने में या कम था या जास्ती था? जो 2 महीने के सैमुएल, जो 2 महीने के था उस समय सैमुएल को पर ध्यान, अभी जितना ध्यान है वो इतना था या उससे जास्ती था, कम था? जास्ती था बोलती है। ये सही है, am I right? एवरी मदर नोस दैट, हर मम्मी की ये मालूम, ये सच है। लेकिन अभी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और भी 20 साल हो जाएगा उतना भी ध्यान नहीं होगा। ध्यान तो होगा लेकिन इतना ध्यान नहीं होगा। इधर परमेश्वर बोलता है, अपने माँ के दूध पीने वाला बच्चा को क्या एक मम्मी भूल जाएगी? दूध पिलाया हुआ मम्मियों, थोड़ा जोर से बोलिए, दूध पिलाया हुआ मम्मियों इधर है तो जोर से बोलिए। आवाज भी नहीं है, आवाज भी नहीं है, इतना ही आवाज है। परमेश्वर पूछता है, सवाल करता है, इसे क्वेश्चन बाय गॉड, इज इट राइट? ये परमेश्वर सवाल करता है, ऐसा या सवाल करता है? परमेश्वर सवाल करता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुझे बनाया हुआ परमेश्वर, तुम्हारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर। और नेक्स्ट वर्स में लिखा है,
देखो मैं तुमको मेरे हथेली में बना कर रखा, देखो मैं तुमको मेरे हथेली में ड्राइंग करके रखा हूँ। देखो परमेश्वर, मिस्टर दिग्विजय कभी तो कभी सुधर जाओ यार, तुम्हारे बारे में परमेश्वर इतना चिंता करता है यार, तो भी तुम दुनिया के पीछे मन लगाते हो। केवल दिग्विजय नहीं है, इधर बैठा हुआ छोटे बड़े सभी लोग जेंटलमैन को परमेश्वर ये बोलना चाहते, देखो मैं तुझे मेरे हथेली में लिख रखा है, एनग्रेव्ड। एनग्रेव मतलब कभी मिटेगा नहीं है। कौन सी शब्द तेलुगु में उपयोग किया है? एनग्रेव्ड, चिक कुनान। मलयालम में വരച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനേക്കാളും എൻഗ്രേവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കൊണ്ട് ഞാൻ കുത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കുത്തിവെച്ച് മനസ്സിലായില്ലയോ? ഞാൻ ഐ ഹാവ് എൻഗ്രേവ്ഡ് യു ഇൻ മൈ ഹാൻഡ്, ക്യാ തുംകോ തുമാര മമ്മി ദൂധ് പീനക്ക് സമയം തുമാര മമ്മീനെ തുമക്ക് ബോലാഹേ ബോലാ നീ ബോലേഗാ തോ ബി യേ സംഭവ ഹോത്താ നീ ഐസ ഹോ തോ ബി മേ ക്യാ കരുങ്ക तुमको कभी बोलूंगा नहीं है। अरे मेरी बहन, तुम्हारे बारे में इतना प्यार करने वाले एक विच्छा परमेश्वर है। अरे निशी, ऐसा प्यार करने वाला एक परमेश्वर है, दुनिया में तुम्हारा माँ भी ऐसा प्यार नहीं करेगी, तुम्हारा बाप भी प्यार नहीं करेगी। और वो औरत को बोलना चाहता हूँ, उनका आत्मी इतना प्यार नहीं करेगी, चिंता नहीं करेगा, लेकिन मेरा जिंदा परमेश्वर जे याद करता। इनके भाषा में ये गीत है, ताइतन पालगन ये मर नाल सुन्नदा, ताइतन पालगन ये मर पिनुम नान मर वेर एंडु सुन्नदा। आपके परमेश्वर, आई वॉन्ट टू से आपको प्यार करने वाला परमेश्वर, क्या ये दुनिया के पीछे पाग के नाई पागते हो, औरत के पीछे जान देते हो, आत्मी के पीछे मर जा रहे हो? मेरा परमेश्वर के लिए मर जाओ, हालेलुया। मेरा परमेश्वर के लिए जान दे दो। वो फिलिप का प्रिंस का मुंह से खोलता भी नहीं है, मैं बोलता हूँ ये परमेश्वर का वचन सच है, सच है, सच है। ये परमेश्वर का वचन ही सच है। दुनिया में तुम देखता है सब माया है। अभी तो गीत गाया था ना, व्यर्थ है, व्यर्थ है करके नहीं गाया। जल्दी जल्दी ये अक्ल में आ जाए, उसके अक्ल में आने के बाद ये हृदय में वो रिकॉर्ड हो जाए, इसलिए कि व्यर्थ बातों पर पीछे हम जाएंगे नहीं। क्या एक माँ अपने दूध पीने वाला बच्चा को भूलेगी? और नेक्स्ट पॉइंट, नो कंपैशन, नो कंपैशन लिखा है, नो कंपैशन क्या बोला है? अरे कंपैशन को क्या लिखा है तेरे हिंदी में? दया नहीं रखेगा, भूलेगी भी नहीं है, दया छोड़ेगी भी नहीं। तो भी ऐसा हो सकता है, तो भी मैं तुमको भूलने वाला नहीं है। मुंह खोलकर जोर से बोलो, मैं तुमको भूलने वाला नहीं है, मैं तुमको भूलने वाला नहीं है, मैं तुमको भूलने वाला नहीं है। तुम्हारा बाइबल में लिखा है, इफ यू आर बॉर्न अगेन, आप नया जन्म पाया हो तो, इफ यू आर सेव्ड, आप उद्धार पाया हो तो, इफ यू आर वॉकिंग अकॉर्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीता है तो, ये 100% आपके जीवन में पक्का है। एक मनुष्य अपने जीवन में अधिक तरह से देखने वाला एक व्यक्ति, एक वस्तु हो तो अपने हथेली को देखता है। हथेली से जहाँ हथेली लिखा ना, हथेली से जासी कोई व्यक्ति अपना दुनिया शरीर का कोई भाग को देखता नहीं है। आपको समझ में आया? खाने के समय भी देखता है, मुंह धोने के समय भी देखता है, लिखने के समय भी देखता है, सभी समय में। ऐसा हो तो परमेश्वर पूछता है, क्या मैं तुमको भूलूंगा? ऐसा पूछा है, लिखा है क्या नहीं? पूछो, वो सवाल पूछो, क्या मैं, इन योर लैंग्वेज यू रीड,
क्या मैं तुमको बोलूंगा क्या नहीं है? कारण क्यों नहीं है? यू आर एवर बिफोर मी, तुम हमेशा मेरे सामने ही है। मेरे हथेली में मैंने तुमको क्या कर दिया है? एनग्रेव्ड 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 मतलब ये लकड़ी में हम जो क्या बोलते हैं छुरी से जुली कर रखते हैं वैसे ही हो गया है। कई लोग पुराने दिनों में मैं नहीं डालता हूँ, उनका अंगूठी डालते हैं, उनका अंगूठी में कुछ अक्षर को एनग्रेव करके रखते हैं। देखते एनग्रेव बोलते हैं ना, ये परमेश्वर बोलता है मैं भी मेरे हथेली में एनग्रेव करके रखा है, मैं तुमको कभी बोलूँगा नहीं है। तो मैं सोचता हूँ परमेश्वर आपके लिए इतना विचार करने वाला है। तो ये पूरा हफ्ता कोरोना आपको कुछ नहीं करेगा। इफ़ यू आर बॉर्न अगेन यू आर गॉड्स चाइल्ड। आप नया जन्म पाया तो किसका पूछा बचा है? परमेश्वर के पूछा है। सारे मिस्र में महामारी आई लेकिन किसके घर में महामारी नहीं आया? परमेश्वर के लोगों को ऊपर मिस्र महामारी नहीं आई। ध्यान से सुनो, मैंने आप कई बार बोला हूँ कंडरा के अनुभव के बारे में, मैंने कई बार बोला हूँ 1998 में इतना बड़ा फ्लड आया, इतना बड़ा नुकसान किया, बहुत क्रिश्चियंस मुस्लिम्स हिंदू सब सत्यानाश हो गया। लेकिन शुक्रवार रात को प्रार्थना करके एक झुंड था कंडला झोपड़ा में, वो झोपड़ा में प्रार्थना किया हुआ एक व्यक्ति भी नहीं मरा, उनके बच्चे भी नहीं मरा है। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर चला गया क्या? ये परमेश्वर चला गया क्या? वो परमेश्वर बदल गया क्या? तो क्यों कोरोना को डरता है? हम कन्फाइंड है क्योंकि सरकार के नियम के आधार पर हम रहते हैं। सरकार के नियम को डर के नहीं रहते हैं। सरकार कल भाग गया है, क्या आत्मीय है? मैं उनके बारे में जितना सोचा था उतना सोच उसके अंदर है ही नहीं है, दम नहीं है उनके अंदर। परमेश्वर को डरते हैं, सरकार को डरेंगे नहीं है, कोई मुंह खोलते नहीं है। हम परमेश्वर को डरते हैं, सरकार को डरते नहीं है, लेकिन सरकार का नियम को हम क्या करते हैं? पालते हैं पालते हैं। आप इनकम टैक्स देते हैं ब्रदर संतोष? संतोष इनकम टैक्स देते हैं? खड़े हो जाओ। क्यों आप इनकम टैक्स देते हैं? बिकॉज सरकार को डर के नहीं है। सरकार प्रभु को डरने वाले सरकार का नियम को मानते हैं, इसलिए हम सरकार का नियम को मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अभी आज इस सप्ताह में पक्का करके जाओ आइज़ाया कौन सी वचन 49 का 15th वर्ष बाई हार्ट करेंगे। 49th चैप्टर का 15th वर्ष बाई हार्ट करेंगे और 16th के पहले वचन में पाग में लिखा है, सी आई हैव एनग्रेव्ड यू ऑन द पाम्स ऑफ माय हैंड्स। सी इंग्लिश पढ़ने वाले सब मिलकर जोर से पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो।
हिंदी पढ़ने वाले सब मिलकर हिंदी में जोर से पढ़ो, तेलुगु पढ़ने वाले जोर से तेलुगु में पढ़ो, मलयालम पढ़ने वाले जोर से मलयालम में पढ़ो, तमिल में पढ़ने वाले जोर से तमिल में पढ़ो। इसे जास्ती क्या चाहिए, इसे जास्ती क्या चाहिए, इसे जास्ती प्रभु बोलना चाहिए। यू लिव अकॉर्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड द लॉर्ड विल फुलफिल हिज वर्ड इन योर लाइफ। आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवो। परमेश्वर पूरा हफ्ता, पूरा महीना, अभी कौन सी महीना है, मई महीना में, और भी दो हफ्ता सोचते हैं, अभी हम दो हफ्ता सोचते हैं, हम परमेश्वर कुल हम आराधना कर नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को आराधना करेंगे, ऐसे ही करेंगे। वो शादी किया हुआ आदमी घर में सोशल डिस्टेंस मानते नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो मैं शादी नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्यों ऐसे करते हैं ब्रदर? आई एम बोल्ड एनफ टू से दिस ट्रुथ। ये सच्चाई के बोलने के लिए परमेश्वर मुझे हिम्मत दिया, मुझे हिम्मत दिया है, और मैं मरने तक ये हिम्मत को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने मुझे ऐसे बनाकर रखा है। थोड़ा समय समर्पण करके ये पूरा हफ्ता प्रभु मुझे संभालेगा, मेरे परिवार को संभालेगा, प्रभु के लोगों को संभालेगा करके विश्वास के साथ थोड़ा जोर से धन्यवाद चढ़ाए। आंग बंद करके ये कुमार प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, कभी पाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु के वचन के आधार पर जीने वाले लोग, कभी ये कोरोना के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे प्रभु के लोगों के लिए प्रभु धन्यवाद चढ़ाए। भारत के प्रभु के लोगों के लिए धन्यवाद चढ़ाए। गुजरात के प्रभु के लोगों के लिए धन्यवाद चढ़ाए। कच्छ के प्रभु के लोगों के लिए धन्यवाद चढ़ाए। गांधीधाम और ब्रायन चर्चेस के पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद चढ़ाए। प्रभु का वचन के लिए धन्यवाद चढ़ाए। मिस्टर राजन प्रार्थना करें। धन्यवाद।
सुन। दस चाय जल्दी बनाने के लिए बोला ये बैगन को, दस चाय। इंडिया में लाखों नौकरों लेबर अपना गांव पहुंच भी नहीं सकते हैं, खाना बराबर नहीं, बहुत मुश्किल में है। दो मिनट मुंह खोल के वो लेबरों को परमेश्वर संभालने के लिए दो मिनट सभी आंग बंद करके मुंह खोल के जोर से प्रार्थना करिए। पिता परमेश्वर के धन्यवाद हो, पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद हो,
पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। कैसे एक माँ उनके बच्चों को शांति देती है, वैसे प्रभु आज हमें बोला है मैं तुमको शांति दूंगा। उनके प्रॉमिस के लिए धन्यवाद चढ़ाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम अरे के साथ बनते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया।